इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे का जो फैसला है वो कर लिया गया है। भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐसे में काफी देर से देखिए विधायक दल की बैठक चल रही थी, हालांकि अब विधायक दल की बैठक खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही तस्वीर साफ हो चुकी है कि भूपेंद्र पटेल की गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में औपचारिक तौर पर थोड़ी ही देर में जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन बता दें घाट लोधिया सीट से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल, और ऐसे वे कहीं भी दूर दूर तक नाम जो है भूपेंद्र पटेल का नहीं सामने आ रहा था, और कयास जिस बात का लगाया जा रहा था सच वो बात होती हुई नजर आई कि बीजेपी इस बार हो सकता है कोई सरप्राइज दे दे, और वही हुआ। तमाम नाम आगे चल रहे थे, नितिन पटेल का नाम आगे चल रहा था, मनसुख मांडविया का नाम आगे चल रहा था, लेकिन जिस नाम की घोषणा हुई, जिस नाम का ऐलान किया गया, जिस नाम को जो है फाइनल कर लिया गया, वो नाम बिल्कुल भी कहीं ना कहीं दूर तक भी चर्चा में नहीं था। ऐसे में अब भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। चलिए मैं अपने ब्यूरो चीफ गुजरात से प्रणव सिंह राजपूत का रुख करूंगी एक बार फिर से। प्रणव, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? जी हाँ जी, आपने अभी सवाल किया था कि क्या सीएम विजय रूपाणी ने उनका प्रस्ताव रखा था, तो जी हाँ आगे आ चुका है कि सीएम रूपाणी ने उनका प्रस्ताव रखा था और वो मान्य रखा गया है, और भूपेंद्र जो पटेल है उनको ही सीएम पद का दावेदार और सीएम बनाया गया है। बिल्कुल प्रणव, और देखिए कहीं ना कहीं अब भूपेंद्र पटेल को नया सीएम तो बना दिया जाएगा, लेकिन अब चुनौती बहुत बड़ी बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, महज 15 महीने का समय बचा है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक चेहरा बदलना, सीएम पद का चेहरा बदलना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, पारुल ने बताना चाहूंगा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ये जो जातीय समीकरण, जिस प्रकार से सीएम का वो पहले भी जो 16वें सीएम थे उनमें भी ऐसा ही हुआ था, जब आनंदीबेन को भी इमीडिएटली उनको उनके पद से हटाया गया था, इसी प्रकार विजय रूपाणी को भी कल उनके जो सीएम पद से इमीडिएटली हटाया गया। जब तक माना जाता है कि विधानसभा अभी नजदीक है, फिर भी ये जो राजनीतिकरण जो चल रहा है गुजरात में वो बड़ा चल रहा है, और इसी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें क्या ये जो भूपेंद्र पटेल को जो बनाया गया है वो कितने सफल रहेंगे वो देखना रहा है। जी बिल्कुल प्रणव, और क्या कुछ ये भी जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इस बारे में कुछ अपडेट है क्या अभी? नहीं, अभी फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह जो है उनका कोई अभी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जब भी ये जो भूपेंद्र पटेल का जो औपचारिक रूप से जो सीएम पद का जो औपचारिक रूप से जो घोषणा होगी, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तब जाके उसमें सभी डिटेल्स सामने आएगी। जी चलिए प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा जो है वो फैसला कर लिया गया उस चेहरे का, और भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हालांकि कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए गुजरात में काफी देर से सुबह से ही कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, और कहा जा रहा था कि कौन अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री होने वाला है, लेकिन अब तस्वीर और स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक में ही इस नाम का चुनाव किया गया और इस नाम को फाइनल कर लिया गया है।